स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय सोनीपत को भी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भाग लेने का अवसर मिला है और यहां सोनीपत की प्राचीन संस्कृति को भी दर्शाया गया है। संग्रहालय आपको अतीत में लेकर जाता है, फिर आपको वह जमाना याद आता है जहां कभी वापिस लौटकर जाना नामुमकिन है। केंद्रीय राज्य संस्कृति और विदेश मंत्री मीनाक्षी लेखी भी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति काफी गंभीर है। मीनाक्षी लेखी और मैं भारत में सरकार में राज्य मंत्री हूँ संस्कृति की और विदेश मंत्रालय की। सरस्वती सभ्यता के विषय में लोगों की जानकारी अपर्याप्त है, लेकिन इस पर रिसर्च का काम बहुत अधिक हुआ है और ये बहुत ही विशाल और शक्तिशाली जो है नदी थी, लेकिन ये ज़मीन के नीचे लुप्त हो गई और कुछ टेक्टोनिक चेंजेस जो है पृथ्वी पर आए जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई, लेकिन इसरो के माध्यम से इस पूरी जो बेल्ट है इसको मैप किया गया है और सोनीपत उसी बेल्ट में एक जगह पर पड़ता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि वहाँ पर म्यूजियम भी बनाया जा रहा है और सिंधु सरस्वती घाटी की जो सभ्यता है उसके बारे में पूरे देश दुनिया को परिचय का भी काम किया जा रहा है। और सबसे अधिक प्रसन्नता है कि सोनीपत के लोग स्वयं अग्रसर होकर अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने में, संग्रह में और उसको आने वाले भविष्य के लिए संरक्षित करने में जुड़े हुए हैं। तो मेरी ओर से उस सब विदूषक और विदुषियों को प्रणाम जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। IGNCA के अधिकारी भी इस आयोजन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। 47वां इंटरनेशनल म्यूजियम डे है और इंटरनेशनल म्यूजियम डे के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने हिंदुस्तान के सभी म्यूजियम को यहाँ पर अपने अपने कार्यों को दिखाने के लिए बुलाया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सोनप्रसंग संग्रहालय सोनीपत में जो काम कर रहा है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर उसका सोनीपत का इतिहास, सोनीपत का संग्रहालय कैसे बना, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा, उसके बारे में भी एक वृत्त चित्र बना हुआ है जो कि सभी लोगों को दिखाया जा रहा है। सोनीपत गैलरी को देखकर दर्शक भी काफी प्रभावित है। सोनीपत का एक म्यूजियम दिखाया गया है जिसे किस तरह से पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके उसमें जो अमूल्य कृतियां हैं उनका संग्रह किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि जिस तरह की पुरानी बिल्डिंग को फिर से रेनोवेट करके नया कंस्ट्रक्शन नहीं करके उसके ओल्ड जो पुराना स्ट्रक्चर उसी को बचाया गया है, मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे बिल्डिंग और उसके अंदर रखे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जस्टिस करते हैं। तो मैं जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर विजिट करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का विधि पूर्वक शुभारंभ किया और मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और काफी देश भर से म्यूजियम प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। पर मोदी ने स्पीच देते हुए संदेश दिया कि लोग अब अपने घरों की वस्तुओं से संबंधित म्यूजियम भी बना सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को वह प्रेरणा देती रहेंगी। इस दौरान स्वर्णप्रस्थ संग्रहालय का काफी आकर्षण भी देखा गया। और यहां सोनीपत की प्राचीन संस्कृति को भी दर्शाया गया है। इंटरनेशनल स्तर पर भी विख्यात हो रहा है। राजेश खत्री, प्रगति मैदान, नई दिल्ली।